Bismillahir Rahmanir Rahim. I'm Dr. Muazzam Manzoor and going to teach you the basic concepts of hormonal control. Let's have a look at the big picture. In this subsection, first of all, we'll talk about the introduction to the endocrine system. And secondly, we will discuss the comparison between the hormones and the enzymes. Let's start off with the introduction to the endocrine system. And इससे पहले कि हम एंडोक्रीन सिस्टम के स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन पे बात करें, यू सीन हियर कि जो ग्लैंड्स होते हैं या ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, ये कई तरह के होते हैं. देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ द ग्लैंड्स और ग्लैंडुलर सेल्स. फॉर एग्जांपल, से ये हमारे पास ग्लैंड है. अब हमारे पास ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो किसी ना किसी डक्ट के जरिए अपनी सिक्रीशन को किसी ल्यूमेन में डाल देते हैं. फॉर एग्जांपल, जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये स्लाइवरी डक्ट्स के जरिए जो अपनी सिक्रीशन है, दैट इज सलाइवा, उसको हमारी ओरल कैविटी के ल्यूमेन में डाल देते हैं. ऐसे ग्लैंड्स जो कि डक्ट के जरिए अपनी सिक्रीशन को ल्यूमेन में डालेंगे, हम इनको एक्सोक्रिन ग्लैंड्स के नाम से लेबल करते हैं. Then we have got another category of the glands जो के अपनी secretion को blood में डाल लेते हैं, and blood के along इनकी secretion travel करते हुए पूरी body में जाती है, और जहाँ पे भी उस particular secretion के receptors होंगे, उसके accordingly उन respective sites के ऊपर उस secretion का action आ जाता है. राइट, सो ऐसे जो ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपनी सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड में डाल देते हैं, एंड यू नो वंस यू आर इन द ब्लड यू आर एवरीवेयर. राइट, तो अल्टीमेटली फिर वो जो सिक्रीशन है वो टारगेट्स